मुझे जो भी श्रेय दिया जा रहा है वो मेरे अकेले का नहीं है। इसका कुछ हिस्सा सर्बियन राव को भी जाता है, जो हमारी सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं, जिन्होंने संविधान की ड्राफ्टिंग के लिए संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया। इस श्रेय का कुछ हिस्सा उस ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को भी जाना चाहिए। ये बाबा साहब के भाषण का वो अंश है जो उन्होंने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान के प्रारूप को प्रस्तुत करते हुए दिया था। इस दिन संविधान के उस प्रारूप को स्वीकार किया गया जिसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया था। इसी रूप में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। इसी की याद में 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। सवाल उठता है कि संविधान सभा की ज्यादातर बैठकों में औसतन 300 सदस्य मौजूद रहे और सभी सदस्यों को संविधान के निर्माण में समान अधिकार प्राप्त था, तो आखिर क्यों डॉक्टर अंबेडकर को ही संविधान का मुख्य वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है? इसका जवाब है कि संविधान बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत डॉक्टर अंबेडकर ने ही की थी। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा लिखने वाले माइकल ब्रेचर ने अपनी पुस्तक नेहरू ए पॉलिटिकल बायोग्राफी में अंबेडकर को भारतीय संविधान का वास्तुकार माना और उनकी भूमिका को संविधान निर्माण में फील्ड जनरल के रूप में रेखांकित किया। संविधान सभा के सामने संविधान प्रस्तुत करते हुए अपने अंतिम भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने गरिमा और विनम्रता के साथ इतने कम समय में इतना मुकम्मल और विस्तृत संविधान तैयार करने का श्रेय अपने सहयोगियों को भी दिया। लेकिन पूरी संविधान सभा इस बात को जानती थी कि एक महान लीडर का अपने सहयोगियों के प्रति विनम्र आभार है। अंबेडकर संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, जिसकी जिम्मेदारी संविधान का लिखित प्रारूप प्रस्तुत करना था। इस कमेटी में कुल 7 सदस्य थे। संविधान को अंतिम रूप देने में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका को रेखांकित करते हुए भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के एक सदस्य टीटी कृष्णामाचारी ने नवंबर 1948 में संविधान सभा के सामने कहा था, संभवतः सदन इस बात से अवगत है कि आपने ड्राफ्टिंग कमेटी में जिन 7 सदस्यों को नामांकित किया है उनमें से एक ने सदन से इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह अन्य सदस्य आ चुके हैं। एक सदस्य की इसी बीच मृत्यु हो चुकी है और उनकी जगह कोई नए सदस्य नहीं आए हैं। एक सदस्य अमेरिका में थे और उनका स्थान भरा नहीं गया। एक अन्य व्यक्ति सरकारी मामलों में उलझे थे और वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रहे थे। एक दो व्यक्ति दिल्ली से बहुत दूर थे और शायद स्वास्थ्य की वजह से कमेटी की कार्यवाहियों में शामिल नहीं हो पाए। सो कुल मिलाकर यही हुआ कि संविधान को लिखने का भार डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर ही आ पड़ा है। मुझे इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि हम सबको उनका आभारी होना चाहिए कि उन्होंने इस जिम्मेदारी को इतने सराहनीय ढंग से अंजाम दिया। डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी लिखने वाले पिस्तोफ जाफर लो अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि हमें ड्राफ्टिंग कमेटी की भूमिका का एक बार फिर आकलन करना चाहिए। ये कमेटी सिर्फ संविधान के प्रारंभिक पाठों को लिखने के लिए जिम्मेदार नहीं थी, बल्कि उसको ये जिम्मा सौंपा गया था कि वो अलग अलग समितियों द्वारा भेजे गए अनुच्छेदों के आधार पर संविधान का लिखित पाठ तैयार करें जिसे बाद में संविधान सभा के सामने पेश किया जाए। सभा के सामने कई मसौदे पड़े गए और हर बार ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों ने चर्चा का संचालन और नेतृत्व किया था। अधिकांश बार ये जिम्मेदारी अंबेडकर ने ही निभाई थी। इसी तथ्य को रेखांकित करते हुए प्रमुख समाजशास्त्री प्रोफेसर गेल ओमवेट लिखती हैं कि संविधान का प्रारूप तैयार करते समय उनके विवादित मुद्दों पर अक्सर गर्मा गर्म बहस होती थी। इन सभी मामलों के संबंध में अंबेडकर ने चर्चा को दिशा दी, अपने विचार व्यक्त किए और मामलों पर सर्वसम्मति लाने का प्रयास किया। डॉक्टर अंबेडकर मल्टी टैलेंटेड थे। अंबेडकर उन चंद लोगों में शामिल थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य होने के साथ साथ बाकी 15 कमेटियों में से कई कमेटीज के सदस्य थे। संविधान सभा द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उनका चयन उनकी राजनीतिक योग्यता और कानूनी दक्षता के चलते हुआ था। वो इतने काबिल थे कि कानूनी पेचीदगियों को पल भर में सुलझा लेते थे। कानून की अवधारणा, उसकी व्याख्या और उसके पालन की रूपरेखा तैयार करने में उनका कोई सानी नहीं था। विदेश में अव्वल दर्जे की शिक्षा लेकर लौटे अंबेडकर उस समय देश के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में शुमार थे। संविधान को लिखने, विभिन्न अनुच्छेदों और प्रावधानों के संदर्भ में संविधान सभा में उठने वाले सवालों का जवाब देने, विभिन्न विपरीत और कभी कभी उलट से दिखते प्रावधानों के बीच संतुलन कायम करने और संविधान को भारतीय समाज के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करने में डॉक्टर अंबेडकर की सबसे प्रभावी और निर्णायक भूमिका थी।
संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में बाबा साहब ने कहा था, मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा यदि उसे चलाने वाले लोग बुरे हैं, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे हैं। बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में भारत को एक ऐसा संविधान बनाकर दिया जो जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। एक ऐसा संविधान जो हर किसी को समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का पाठ पढ़ाता है। एक ऐसा संविधान जो सामाजिक न्याय की गारंटी है। इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द शूद्र, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।